फ्रेंड, मैं हूं दीप्ति गुप्ता। आज मैं करा रही हूं आपको गैर व्यापारिक संस्थाएं। गैर व्यापारिक संस्था तो इंग्लिश में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर में आपका प्रतिवर्ष एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको इसमें चंदा खाता निकालना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यदि इसमें डेट का बहुत ध्यान हमें रखना है, 1-1-2014 को 9,000 और 31-12-2014 को 6,000। ध्यान रखिएगा कि जो ये है, ये जो 1-1 है, यानी शुरू में एक तारीख आती है और बाद में आती है 31, तो आपको क्या करना है, जो एक तारीख है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर है, तो 9,000 बिगनिंग ऑफ द ईयर है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर, और जो 6,000 है वो है आउटस्टैंडिंग एंडिंग ऑफ द ईयर। अगला है एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन को प्रीपेड अकाउंट भी कहते हैं। एडवांस यानी अग्रिम चंदा जो बिगनिंग ईयर का है वो 1600 रुपये है और जो एंडिंग ईयर का है वो 4400 है। ये माइंड में रखना है आपको, 1-1-2014 सन का भरो बिल्कुल ध्यान में रखना है। 1 तारीख में है तो बिगनिंग ऑफ द ईयर, 31 तारीख है तो एंडिंग ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में कुल चंदा जो प्राप्त हुआ है 2014 में 224,000। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप इसको, जो ये क्वेश्चन दिया है इसका परफॉर्मा याद कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, जितना पूरे साल में चंदा प्राप्त हुआ है वो आपको इसमें डालना है। तो यहाँ पे जो चंदा प्राप्त हुआ है 224,000 हुआ है, तो यहाँ पे हम 224,000 लिख देंगे। अब हमें ऐड करना है, ये फिक्स है बिल्कुल, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एंडिंग ऑफ द ईयर यानी अदक चंदा वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में जो अदक चंदा है वो आपका 6,000 है, तो यहाँ पे हमने 6,000 लिख दिया। नेक्स्ट है प्रीपेड या एडवांस बिगनिंग ऑफ द ईयर। जो एडवांस बिगनिंग ऑफ द ईयर होता है वो आपका शुरू वाला 1600 है, तो यहाँ पे हमने 1600 लिख दिया। 6,000 और 1600 को प्लस करके 7,600। अब हम 224,000 और 7,600 को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 231,600 रुपये आ गया। अब इसके बाद लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर। जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर है उसे लेस कर देंगे। बिगनिंग में कितना है आउटस्टैंडिंग, 9,000। 9,000 को हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्रीपेड एंडिंग ऑफ द ईयर, प्रीपेड एंडिंग ऑफ द ईयर कितना है, 4,400 को यहाँ पर लिख देंगे। 9,000 में 4,400 प्लस करेंगे, 13,400 आ जाएगा। अब 231,600 में से 13,400 माइनस करेंगे तो 218,200 निकल के आ जाएगा। ये निकला इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो चंदे से कितनी आय है पूरे वर्ष में कुल मिला के वो आ गई। ये प्रश्न जो है 4 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा। यदि आपके इस प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए और मैं उसको सॉल्यूशन दोबारा से भेज दूंगी। धन्यवाद।